नमस्कार, आप सबका मधु की रसोई में स्वागत है। आज हम मधु की रसोई में हिमाचली रेसिपी मक्के के आटे की वेड़ुआ रोटी लेके आए हैं। वेड़ुआ रोटी में लगने वाली सामग्री है आधा किलो अरवी ले लिए, जहाँ जो हिमाचल उसको कचालू बोलते हैं, उसको अच्छे से उबाल के उसको छिलके उतार लिए हैं। एक बड़ी कटोरी मकई का आटा, एक छोटा टुकड़ा अदरक का जिसको काट लिया है, दो हरी मिर्च, 8 से 9 लहसुन की कलियां, इन सबको हमने पीस के पेस्ट बनाना है और ऊपर से घी लगाएंगे देसी घी, चुटकी भर हींग, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता और नमक स्वाद अनुसार। तो हम सबसे पहले आटा गूंदेंगे। एक बाउल ले लेंगे, उसमें हमने मक्के का आटा डाल देंगे। गूंदने के लिए हमने गुनगुना पानी लेना है। धीरे धीरे पानी डालते हुए गूंदना है। हथेली से मसलते हुए आटे को गूंदना है। आटा गूंद चुका है। आटे को हमने नरम भी नहीं रखना है और सख्त भी नहीं रखना है। भेड़ुए रोटी की स्टफिंग की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए हमने अरबी उपरी अरबी को एक बर्तन में ले लेना है और हाथों से उसको मसलना है। फिर इसमें हमने सारे मसाले डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार। हल्दी, हींग, बारीक कटा हरा धनिया पत्ता और जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया वो, इन सबको हमने अच्छे से मिलाना है। इसकी स्टफिंग भी तैयार हो गई है। अब हम बनाना शुरू करेंगे। गैस ऑन कर दिए, तवा रख दिया है। अब हम रोटी बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमने एक चकला ले लिया है और एक पॉलिथीन का ऐसा टुकड़ा ले लेंगे, जिसकी मदद से एक रोटियां बहुत अच्छे से बनेगी, टूटेंगी भी नहीं और इसे हर कोई आसानी से बना सकता है। हवा गर्म हो चुका है।
पेड़ और रोटी दोनों तरफ से अच्छे से पक चुकी है, अब इसको हमने तवे से निकाल लेंगे। बाकी रोटियां भी इसी तरीके से बना लेंगे। हिमाची रेसिपी मक्के के आटे की पेड़ों की रोटी बनके तैयार है। इसे आप घर पे जरूर बनाएं, आपको जरूर पसंद आएगा। हिमाचल में इसे घी के साथ खाया जाता है। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहले पहुँच सके। धन्यवाद।